चली जा तो जैसी बहुत देखी है मैंने, पढ़ के दिखा रही है ज्यादा ही। अब मैं उलुठो ना हूं जो पहले ही, सूदी समझ के कुछ भी बकले कर रही जाकू, फाड़ के सुखा दूंगी अब तो मैं तो। पढ़ के दिखा रही है ज्यादा ही। क्या होगा चाची, कैसा आग बबूला हो रही हो, किस पर चिल्ला रही हो इतनी? अरे वही टेकचंद की बहू मेरे सामने गाने गा के दिखा रही वो। अभी जाती मुझे भी मिली, गा तो रही गाना। वाह, और गा रही हूँ कौन सा गाना? तेरे वास्ते मैं फलक से चांद तारे तोड़ लाऊंगी। बिल्कुल वाजिब कह रही हो, वो ही गा रही। अभी गई यही कल गई इधर से। अच्छा तुमसे झगड़ा करती जा रही? और का बहस कर रही खामा खाम में ना, गाली गलौज कर रही। बहस तुम्हारे लिए बहुत बुरा बुरा कहती जा रही, मुझे ना पता है चाची तुम्हारे लिए कह रही है, वरना मैं तो वहीं रोक के पूछ लेता। गाली गलौज कर रही और बहुत गलत बयानबाजी करी है चाची। या कल को फाड़ के सुखाऊंगी, मेरे सामने तो एक फेरे भी ना बोली। सामने से कुछ मत कहियो, क्यों बुरी बनो तुम, पीछे से मार दो ईंट उठा के, कौन देख रहा। अरे मैं का डरू तो फिर सामने से ही मारूंगी, सामने से ही। ना ये तो है चाची, तुम्हारा गांव में पूरे में यही रहा, तुम दबती ना हो किसी से भी, मुंह पर चपेटा मार दो, कोई फालतू बोलता तो सुना मैं तुम्हारे पास। चाची अच्छा देखो, सामने से ही आक्रमण करो पहले ना। वैसे चाची देखो, खालिद इसीलिए बुरा माना जाता, इसीलिए बुरा बन जाता खालिद, लेकिन चाची खालिद का मसला यही है, बिना कहे रहता ना, खालिद से बिना कहे राना जाता। जिस गाने की तुम बात कर रही हो चाचा श्यामलाल, परसों शाम को खेतों की तरफ से आ रहे, इधर से चाची रघुवीर निकल के जा रही, तो पता क्या कह रहे? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। अब उन्होंने भी उधर से मुस्कुरा दिया, चली गई करती हुई चाची रघुवीर। मुझे पर अच्छा ना लगा, अच्छा ना, देखो उम्र का लिहाज करना चाहिए इंसान को, अच्छा ना लगा मुझे तो। भाई यू डायन मेरे घर के नाम से लेगी भाई, और यू बुढ़ा भी जाए ना, यू तो मरेगा मेरे हाथ अंते, यू तो गया मेरे हाथ अंते। बता या बुढ़े सु मैंने परसों जो है, परसों ना तीन चार दिन पहले न्यू कही ये टोंड पे तो कटोर दोन तार दे, तो पूरे गम में सीढ़ी ढूंढता डोलाया यहाँ पे ऊना उतरा। चाची देखो कई बात पराई हो जा, इसी बात से मुझे एक बात याद आ रही है, तुम्हारा बैल ना, बैल बैल के नहा पे चीचड़ी हो रही, चाचा से उचक के वो ना तोड़ी गई, पता वो ना छुटाई गई, और ना चाचा क्या कह रहा, तेरे वास्ते आसमान से, फलक का मतलब आसमान ही होगा, चांद लाऊंगा। अच्छा जी, अब्बा का चांद तुम्हारे का जिसे तोड़ लाओगे? नीम के दातन तो टूटा ही ना पेड़ पे, उचकता रह जा वही पे। बस चाची जमाना बुरा चल रहा, और देखो नहीं ना रुक रहा इंसान। चलो चांद पे ही तुम रुक गए तो मान लिया भाई तुमने प्यार मोहब्बत में कह दई है, ये और कहते चांद के संग में 16 सितारे तोड़ के लाऊंगा, यानी तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, और चांद के संग में 16-17 सितारे और तोड़ लाऊंगा। चाची एक बात बतलाई हो, देखो सही मेरी तरफ देखो, कोई माचिस की डिबिया है जिसको ऐसे पकड़ के तोड़ लाओगे? है ना, जिस धरती पे बैठो इससे भी कई गुना बड़े हैं वो चांद तारे। बस चाचा की समझ में ना आ रहा, चाचा जो मोहब्बत में तंधा हो रहा कि चांद पे जाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा, सितारे तोड़ के लाऊंगा। है घर की सरकार चल रही है, अपने बाप का माल समझ रखा जी, ने तोड़ के ला गए या सुधारूंगे बुढ़े, या कि नौल हंस बिछाई ना मैंने आज। चाची देखो सुनो मेरी बात, नाटक भी आदमी क्या बर्दाश्त कर ले, चलो भी प्यार मोहब्बत में कैदी होएगी, हुकुम चला रहे चांद तारों से, हुकुम चला रहे अगली कली में क्या कहता चाचा, चांद सितारों जरा वहीं रही हो बैठे, पहले मैं इसको लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। अच्छा जी तेरे बाप के नौकर लग रहे वे है नी? इसका मतलब वो अपना जो घूमते रहते हो, उसे घूमो मत, वह इंतजार करो ना, धरती से एक आशिक उड़ा हुआ जाएगा श्यामलाल नाम का आशिक, तब तुम्हें तोड़ तोड़ कर लाएगा जो में भर भर के।
तेरे ही जो इतना बड़ा थैला हो रहा झोला जा में भर के लिए आएगा तू। खाली वो डंडा वंडा दे कुछ या कि लहास न बिछाई ना मैं आज या मारूंगी मैं। चाची देखो मुझसे ना होएगा ये सब। मैं तो ये चाहता हूँ हर कोई जो भी रह रहा अपने प्यार से अपने घर में प्यार मोहब्बत से रहो। खालिद नफरत नहीं फैलाता। खालिद का क्या मैं घर घर जाकर प्यार मोहब्बत फैलाना। चाची गुस्से को थूक दो कुछ ना होने वाला। भाई इतना ज्यादा बुरा लग गया मुझे। चांद तारा तुम भाई रहो, पहले मैं इसको लड़ा लूँ उसके बाद आऊंगा। भाई वाह बहुत बेहतरीन चाचा श्यामलाल, हैरत है तुम उसे भी। चाची घर में बैठी है हमारी अम्मा समान है चाची। चाची के संग ऐसा हो रहा मुझसे बोला देखा जाता। खालिद कहाँ बताऊ या बुढ़े ना खुद पी के धरती है कतई पोता जुआन हो रहा। उसके ब्याह का ना है ना इल्जाम खालिद पा जाता कि तू तुड़वा देता। मैं उसके ब्याह की फिक्र तुम करो जब तुम इस उम्र में चांद तारों को तोड़ रहे हो। हैं कहाँ से हो जाएगा। पोते के ब्याह की चिंता नहीं है अपना दूसरे के चक्कर में बता। मैं चाची दूध के लिए आया अभी तो ना कढ़ा होएगा। अभी कहाँ आया हो जब आएगा जब दूध काटेगा। अब मुझे लगना रहा तुम ना दूध काटने लायक छोड़ोगी। आज ना छोड़ू भैया मैं डेरी से ले लूंगा अशोक की डेरी पे से ले लूंगा कोई बात ना। पर चाची देखो खालिद इतना ही कहना चाह रहा। खालिद का काम नफरत फैलाना नहीं है। खालिद चाहता प्यार मोहब्बत के संग रहे सब। पर जितना चाचा कर रहे हैं ना अब गलत हो रहा है। अब जो है ना पानी सिर से ऊपर नहीं घर से ऊपर ही कल गया। अब घर बर्बाद होने वाला मसला चल रहा। खालिद सही कह रहा तू, सही कह रहा तू बिल्कुल। आज अंदाजा बुढ़े देखो चाची खालिद कैसा भी है अपनी बेगम को खुश रखता। रुखसाना ने कहा जाकर दूध लिया डिब्बी लेकर आया ना खालिद बतलाइए। खालिद कह देता मैं तो ना जा रहा। पर चाची यही है अपना तो बेगम खुश घर खुश तो सब कुछ सही सही चलता। मैं इतना ही पैगाम अपना हंसी मोहब्बत से रहो लड़ना झगड़ा कुछ ना अपना खुशी से रहो चाची तुम और चाचा संग में। अच्छा चाची आदाब है मैं लेट हो रहा हूँ मैं चल रहा हूँ। ठीक है भैया कहीं मिल जाए नहीं तेरा चाचा तो भेजी आज तक। देखूं चाची देखता हूँ। ठीक है तेरा रघुबीरी डायन लेगी मेरा घर के दोस। ऐसा ये बुढ़ा हो गया अपने घर की ना दिख रही कतई भी। घर में जुआन पोता वहां के ब्याह की ना दिख रही और खुद ढोला दिंगा दिंगा पूरा गांव में थू थू करवा रखी है। यू तो बेचारा खा लेती बढ़िया आज वो सारी बात बता जावे नहीं तो वो कुछ पता ही ना पड़े। अरे यही कोई इल्जाम लगा का तू लंक लगावे खालिद। अपने पीहर को फोन करके बुलाऊंगी या सुधरवाऊंगी।